वीडियो फाइल हैंडलिंग इन पाइथन हम बाइनरी फाइल का पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सबसे पहले स्टेप्स ऑफ बाइनरी फाइल। फर्स्ट स्टेप है हमें इंपोर्ट पिकल करना है। पिकल एक मॉड्यूल है जो बाइनरी फाइल के लिए हमें यूज़ करना होता है। इसी मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिनको हम यूज़ करेंगे अपनी बाइनरी फाइल के क्वेश्चन में। सेकेंड स्टेप जो इसके बाद आएगा वो आएगा ओपनिंग ऑफ ए बाइनरी फाइल। तो ओपन करने का तरीका वही है जैसे हम टेक्स्ट फाइल को ओपन करते हैं, पर इतना चेंज आएगा जहाँ पर हम राइट रीड और अपेंड लिखते हैं उसमें बी लगा दोगे। ये बी डिनोट करता है कि ये फाइल जो है बाइनरी फॉर्मेट में है। और एक्सटेंशन जो है डॉट DAT लगा सकते हो, डॉट BIN भी लगा सकते हो। नेक्स्ट आएगा कि राइट कैसे करेंगे और रीड कैसे करेंगे बाइनरी फाइल से। अगर राइट का आया तो आपको यूज़ करना है डंप फंक्शन, अगर रीड का आया तो आपको यूज़ करना है लोड फंक्शन। ये दोनों फंक्शन पिकल के साथ यूज़ होंगे, तो पिकल डॉट डम्प पिकल डॉट लोड करके आप यूज़ करोगे। इन दोनों के सिंटेक्स ये हैं, पहले वाले का जो डम्प है उसका है पिकल डॉट डम्प ब्रैकेट सीक्वेंस कॉमा फाइल ऑब्जेक्ट। ये सीक्वेंस आपकी लिस्ट भी हो सकती है, टपल भी हो सकती है, और ये आपका फाइल ऑब्जेक्ट हो गया जिसके अंदर आप जाएगा। फाइल ऑब्जेक्ट कौन हुआ, जैसे ये F है तो ये इस फाइल ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। यहाँ पर लोड हो रहा है, हम लेके आएंगे तो देखो फाइल ऑब्जेक्ट कहाँ है, पैरामीटर में ब्रैकेट में पास हो रहा है। मतलब फाइल ऑब्जेक्ट एक रीड मोड में पहले बाइनरी फाइल को ओपन करोगे और सारे उसके रिकॉर्ड को ये पिकल डॉट लोड किसको देगा, इस ऑब्जेक्ट नेम के पास जाएगा। वहाँ से एक एक करके रिकॉर्ड को रीड करेगा और इस ऑब्जेक्ट नेम जो यहाँ पर हम पास करेंगे इसको देगा। एक बार में एक रिकॉर्ड रीड होगा। तो हमें इसको क्या करना है, बहुत सारे मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं, अगर आप इसको दो तीन चार बार लिखते चले जाओगे तो वो एक एक करके रिकॉर्ड्स को रीड करना शुरू करेगा। और अगर लूप में पास कर दोगे तो एक एक करके जब तक का आपको सारे रिकॉर्ड नहीं मिल जाते तब तक वो चलता रहेगा। अभी बताऊंगा इसे कैसे करते हैं। अब आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन में, ये है क्या। देखो ऐसे करके पेपर में तुम्हारे क्वेश्चन आएगा जिसमें दो पार्ट होंगे, एक राइट का होगा और एक रीड का होगा। वो कह रहा है एक बुक डॉट DAT एक फाइल है आपकी, उसमें एक स्ट्रक्चर है बुक नंबर बुक नेम ऑथर एंड प्राइस। अभी स्क्वायर ब्रैकेट से समझ जाओ कि ये लिस्ट का है, इसमें जो रिकॉर्ड जा रहा है बाइनरी फाइल के अंदर में वो एक लिस्ट के फॉर्म में जा रहा है। तो वो क्या बोल रहा है इसमें कि यार एक क्रिएट फाइल नाम का एक फंक्शन बनाइए जिसमें आप इन सारी चीज़ों को इनपुट कराइए। लिखा है देखो इनपुट डेटा फॉर ए रिकॉर्ड एंड ऐड टू अ बुक डॉट डेटा फाइल। तो बुक नंबर बुक नेम ऑथर एंड प्राइस को आपने इनपुट कराना है और उसको बुक डॉट DAT के अंदर ट्रांसफ़र करना है। ये पहला है, देखो नीचे मैंने दिया भी कैसे कर रहा है। फाइल नेम बुक डॉट DAT, इस रिकॉर्ड को आपने लिस्ट के फॉर्म में रखना है और ये पूरा रिकॉर्ड जो है बुक डॉट DAT के अंदर ट्रांसफ़र कर देना है। अब आएगा दूसरा फंक्शन जो है वो है काउंट रेक। आपने रिकॉर्ड्स को काउंट करना है और इसके अंदर जो पैरामीटर पास हो रहा है वो ऑथर पास हो रहा है। अब वो क्या कह रहा है कि आप ऑथर का नेम एक्सेप्ट करिए, उसे पैरामीटर में पास करिए और जहाँ जहाँ पर वो नेम जो हमने ऑथर के अंदर स्टोर किया वो मिले किसके अंदर, बुक डॉट DAT में, कौन सी पोजीशन में, यहाँ पर, तो उनकी काउंटिंग करें। तो आपको ये याद रखना है कि रिकॉर्ड एंटर भी लिस्ट के फॉर्म में हो रहे हैं तो रीड भी लिस्ट के फॉर्म में हो रहे हैं, तो उसमें आप उसकी प्लेस ऑफ इंडेक्स देख लो, 0, 1, 2, ऑथर जो है वो सेकेंड इंडेक्स वैल्यू में बैठा हुआ है, बस इतना ध्यान रखो। अब आते हैं पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि क्रिएट फाइल करो, ये इस तरह से जैसे दिया है यहाँ पर ऐसे करके रिकॉर्ड को आपने स्टोर कराना है किसके अंदर, बुक डॉट DAT के अंदर। तो सबसे पहली लाइन देखो, हमने इम्पोर्ट पिकल एज पी कर दिया। मैंने क्या करा, पिकल जो है बहुत बड़ा वर्ड हो रहा है तो मैंने उसको एक नाम दे दिया और वो नेम से अब वो डिनोट हो गया ये पिकल। तो हमें पिकल लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं पी लिख दूंगा उससे वर्किंग हो जाएगी। अब नेक्स्ट लाइन हमारी क्या बनेगी, ऑब्वियस ये बात है हमें फंक्शन बनाना होगा और फंक्शन का नाम क्या है, क्रिएट फाइल। तो हमने डेफ क्रिएट फाइल नाम का फंक्शन बनाया। अब सबसे पहली चीज़ है वो कह रहा है अब पहले आप अपनी फाइल को ओपन कर लें, तो हमने फाइल को ओपन कर लिया। लेकिन अब देखो मैंने यहाँ W पास नहीं करा, मैंने AB पास कर दिया। अब A किसके लिए होता है, अपेंड के लिए होता है। तो याद रखना है, ध्यान रखना, जब वो तुमसे कह रहा है ना रिकॉर्ड एंटर करना है बुक डॉट DAT, तो राइट मोड में मत करना जब उसने आपसे कुछ कहा नहीं है कि पर्टिकुलर इतने रिकॉर्ड एंटर करना है। यहाँ पर वो तुमसे कह रहा है कि जब भी मैं इसे कॉल करूँ एक रिकॉर्ड उसके अंदर चले जाए। अगर तुमने इसे WB कर दिया तो क्या होगा, हर बार उस पर जो पहले का रिकॉर्ड है गायब हो जाएगा और नया रिकॉर्ड उसमें चला जाएगा। क्योंकि W क्या करता है, सारे रिकॉर्ड्स को पहले हटाता है और ओवरराइट करता है न्यू फ्रेश रिकॉर्ड से, बिल्कुल नया रिकॉर्ड जाएगा। तो इसलिए आप उसे AB में ओपन करोगे। अब जब हमारी फाइल AB में ओपन हो गई है
अब हमें सारी चीजें, बुक नंबर के लिए मैंने BNO बनाया, बुक नेम के लिए मैंने BName, ऑथर के लिए मैंने AU एंड प्राइस के लिए PR, तो मैंने सारी चीजें इनपुट के लिए यहाँ पर लिख, तो मैंने INT इनपुट एंटर द बुक नंबर, इनपुट एंटर द बुक नेम, एंटर द ऑथर नेम और INT एंटर द प्राइस करा, तो मैंने देखो दिखा भी दिया कि इस तरह से रिकॉर्ड मेरा एंटर हो गया, तो मैंने एक रिकॉर्ड ऐसे करके एंड। अब हमें नेक्स्ट लाइन क्या करनी है, हमें इसको स्टोर करना है किसके, लिस्ट फॉर्म में, जैसे मैंने रेड कलर में यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जैक्टली सेम इसमें। तो हमने देखो क्या करा, डेटा इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट लगाया BNO कॉमा BName कॉमा AU कॉमा प्राइस, तो ये इस तरह से रिकॉर्ड देखो ऐसे आ गया, ये सारे के सारे जो एंट्री हुई वो एक लिस्ट के फॉर्म में डेटा में आ गए, तो डेटा इस समय क्या है, एज अ लिस्ट की तरह काम कर रहा। अब हमें इस डेटा को क्या करना है, हमें इस बुक डॉट DAT के अंदर बाइनरी फाइल के अंदर हमें ट्रांसफर करना है, तो हमें ट्रांसफर करने के लिए हमें राइट करने के लिए क्या यूज़ करना पड़ता है, हमें डंप का यूज़ करना पड़ता है। तो हम यहाँ पर देखो नेक्स्ट लाइन क्या करेंगे, p.dump, अब p कौन है, पिकल का शॉर्ट फॉर्म ने p कर दिया एज करके, तो डंप कॉमा डेटा कॉमा एफ। अब देखो हमने इसमें क्या करा, पी डॉट डंप ब्रैकेट डेटा कॉमा एफ, ये डंप क्या करेगा, जो ये डेटा है जो ये BNO और BName वाला, इसको एफ में ट्रांसफर करेगा। तो याद रखो मैंने ऊपर भी बना रखा, देखो यहाँ पर लेफ्ट से राइट को डेटा जा रहा है, ऑब्जेक्ट फाइल ऑब्जेक्ट आपका राइट साइड में आ रहा है, ये आपके MCQ में भी आ सकता है, वो आपको चार ऑप्शन दे देगा, उसमें एक एक सही होगा बाकी सब गलत होंगे। तो याद रखना है डंप के केस में जो भी इंफॉर्मेशन हमें ट्रांसफर करनी होती है वो लेफ्ट में लिखी होती है और जिसको भेजते हैं वो राइट में लिखा होता है। अब ये जो रिकॉर्ड ऐसे करके पड़ा है वो इस एफ के थ्रू इस बुक डॉट DAT के अंदर चला जाएगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट लाइन क्या लिखनी है, ऑब्वियस सी बात है एफ डॉट क्लोज, फाइल खुली तो उसे क्लोज कर दिया, ये आपका किसके लिए हो गया, जब आपको क्रिएट फाइल करनी है ये रिकॉर्ड एंट्री का, ये मैंने यहाँ पर नीचे कॉल भी कर दिया और जब हम इसे यहाँ पर लिखेंगे तब ये कॉल हो जाएगा। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हमने यहाँ पर एक काउंट रेक करके एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर ऑथर एक पैरामीटर है, जिसका काम क्या है, जो एक्सेप्ट ऑथर नेम एज अ पैरामीटर, मतलब कि कहीं एक ऑथर नेम एक्सेप्ट होगा वो इस काउंट रेक में एज अ पैरामीटर पास होगा, हम उसको अपनी बुक डॉट DAT के अंदर बाइनरी फाइल जो है उसके अंदर सर्च करेंगे, जहाँ जहाँ पे हमें ये वाला ऑथर का नाम मिलेगा हम उसकी एक वेरिएबल बनाएंगे जो उसकी काउंटिंग करेगा और हमें वो जो काउंटिंग है हम उसको रिटर्न कर देंगे जब वो फंक्शन फिनिश हो जाएगा। तो अब हम आते हैं स्टेप्स में, तो हमारा पहला स्टेप क्या है, जब भी हमें कोई बाइनरी फाइल का क्वेश्चन करेंगे तो हमें इंपोर्ट करना होता है, तो हम इंपोर्ट क्या करेंगे, पिकल को इंपोर्ट करेंगे एज पी करके। इसके बाद नेक्स्ट लाइन जो है, देखो मैंने क्या करा, नीचे अगर तुम राइट साइड में देखोगे मैंने AU इक्वल्स टू इनपुट एंटर द ऑथर नेम, मैंने यहाँ पर ये लाइन लास्ट लाइन है, मतलब जब फंक्शन की पूरी कोडिंग हो जाएगी उसके नीचे लिखना, तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। ये AU क्या करेगा, अपने अंदर जो वैल्यू है उसको यहाँ से जो मैं ऊपर डेफ काउंट रैक में ऑथर बना रहा हूँ इसको दे देगा, तो ये ऑथर आपसे इस वाले AU से वैल्यू को लेगा, ये जा करके बुक डॉट DAT के अंदर सर्च करेगी और जितने ऑथर के नेम उसमें मैच करेंगे वो काउंटिंग करके उसको जब पूरा फंक्शन फिनिश हो जाएगा रिटर्न करेगा, वो वैल्यू वापस यहाँ इस K के पास जाएगी और नेक्स्ट लाइन में जब मैं प्रिंट नंबर ऑफ गिवन ऑथर लिखूंगा K, तो वो मुझे डिस्प्ले करके दिखाएगा इतने स्टोर है, इतनी इंफॉर्मेशन उसको मिली है, ये ऑथर इतने बार उसको अंदर मिला, मतलब उसकी इतनी बुक्स है इसमें। अब आते हैं स्टेप में, तो पहला स्टेप हमारे को क्या है, हम पहले फाइल को ओपन करेंगे, तो मैंने बुक डॉट DAT को रीड बाइनरी मोड में ओपन कर दिया, तो मेरे बाइनरी रीड मोड में ओपन हो गई। नेक्स्ट लाइन हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे जो हमारे लिए क्या करेगा, काउंटिंग करके हमारे को नंबर देगा, फिर हमें एक लूप चलाना होगा जो हम वाइल ट्रू करके, आप कहोगे फॉर लूप क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि हमें ये नहीं पता उसके अंदर कितने रिकॉर्ड है, तो हम क्या करेंगे वाइल ट्रू चलाएंगे और उसके अंदर हम इसके अंदर अपनी रीडिंग करेंगे किसकी, जितने भी बुक डॉट DAT के रिकॉर्ड्स है। तो वाइल ट्रू चलाने के बाद आपको एक और चीज़ करनी पड़ेगी, आपको ट्राई एंड एक्सेप्ट लिखना पड़ेगा, ट्राई एंड एक्सेप्ट, एक्सेप्ट में EOFE कैपिटल में, RROR स्मॉल में, इस EOF का मतलब होता है एंड ऑफ फाइल एरर। अब आप ये क्यों लिखा है इसको भी ध्यान दो, हमने वाइल ट्रू करा है, वाइल ट्रू आपका कब तक चलता है, कंटिन्यूसली चलता है जब तक हम उसको रोकेंगे नहीं, तो इस केस में क्या होगा, जब हम इसको वाइल ट्रू चलाएंगे और अगर हम ट्राई और एक्सेप्ट नहीं लिखा तो ये चलता रहेगा, रीडिंग होती रहेगी, होती उसके जब रिकॉर्ड ख़त्म भी हो जाएंगे बुक डॉट DAT के अंदर तब भी अपने को आप गए एग्जीक्यूट करेगा, तो उसी समय जब उसमें सारे रिकॉर्ड फिनिश हो जाएंगे तो ये क्या करेगा, एक एक्सेप्शन थ्रो करेगा
और वो एक्सेप्शन एरर जो आएगा वो एंड ऑफ फाइल का आएगा कि भैया इसके अंदर अब कुछ नहीं बचा, एंड ऑफ फाइल हो गई है। तो उस एक्सेप्शन को डिस्प्ले होने से रोकने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट ईओएफ एरर कर देंगे। अभी दिखाऊंगा कैसे उस एरर को कैसे रोकेंगे। अब देखो हमने क्या करा, हमने इस ट्राई के अंदर में लिखेंगे डेटा इक्वल्स टू पी डॉट लोड और इसके अंदर हमने एफ कौन है फाइल का ऑब्जेक्ट पास करा। ये क्या करेगा, एक एक करके रिकॉर्ड को रीड करेगा और डेटा के अंदर ट्रांसफर करेगा। जैसे मैंने राइट साइड में दिखा रहेगा ऐसे करके रिकॉर्ड आ जाएगा, ये रिकॉर्ड डेटा के पास जा रहा है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट लाइन में, हमें पता है हमें क्या चेक करना है, हमें ऑथर का नाम। अब इंडेक्स वैल्यू के हिसाब से कहाँ पर है, 0 1 2 पे है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इफ़ ब्रैकेट डेटा ऑफ 2 इज इक्वल्स टू ये ऑथर, ये ऑथर कौन है, यहाँ, ये कहाँ से आया, ए यू से। अगर ये मैच कर गया तो ए इक्वल्स टू ए प्लस 1 कर दो। तो ऐसे ही ये जो लूप है ना ट्रू वाला, ये घूमता रहेगा, जितने रिकॉर्ड होंगे चाहे उसमें 10 हो, 20 हो, 30 हो, कितने भी हो, ये जब तक चलता रहेगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब ख़त्म होगा तो ये आपको देगा ही देगा एरर, क्योंकि ये रुकेगा नहीं। तो उस एक्सेप्शन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये एक्सेप्ट ई ओ एफ ई आर आर ओ आर करके हम इसे लिख देते हैं। और इसके अंदर यहाँ पर आप पास लिख दो। पास में क्या होगा कि एक्सेप्शन तो थ्रो होगा लेकिन तुम्हारे स्क्रीन में डिस्प्ले नहीं होगा। बहुत सी जगह पे लोग क्या करते हैं, इसकी जगह पे ब्रेक को भी लिख देते हैं कि भाई यहीं पर रुक जाएगा, हमने यहाँ पर पास को लिख दिया। उसके बाद जब ये पूरा फिनिश होगा हम एफ डॉट क्लोज करेंगे। यहाँ पर आपको एक लाइन और लिखनी पड़ेगी क्योंकि रिटर्न टाइप का क्वेश्चन है, तो आप लिखोगे रिटर्न ए। ये ए कौन है, जिसने अपनी वैल्यूज़ को ऐड करा, कब, जब उसका ऑथर मैच कर गया। ये के में जाके स्टोर होगी यहाँ पर। और नेक्स्ट लाइन में तुम लिख दोगे प्रिंट नंबर ऑफ गिवन ऑथर इक्वल्स टू, वो के यहाँ आ गया। तो जितना भी आपने यहाँ से उसे काउंटिंग करी होगी वो ए यहाँ से के में जाएगा, वो के यहाँ पर आपको आप प्रिंट कर दो।